हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाजी रीता ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं तो यहाँ ठीक हूँ फ्रेंड्स, मेरे बच्चे लोग भी ठीक हैं। और अभी तो यहाँ पूजा चल रहा है, पूजा का माहौल है, हवा में खुशबू है पूजा का, और हरियाली, नेचर, सब कुछ में परिवर्तन आया है। ठंड का माहौल बन रहा है और ये फूल भी खिलने शुरू हो गए हैं। तो शाम का जो वक्त है, मैं ये सब फूल जो है शाम को भी लेके आ जाती हूँ। फ्रेश फूल जो है ये सिवली शाम को खिलते हैं, तो मैं शाम के वक्त ला कर के बच्चों को दे दी। और ये छत में थोड़े पानी भी डाल के आई और शाम को घूमना थोड़ा सा टहल के आए। टहल के आने के बाद में ये थोड़ा सा मुरमुरे बनाने लग गई, और मुरमुरे जो है हम तीनों मिल करके थोड़ा बैठ के खाए। फिर ईशा ने चाय बनाया। भाई फोटा था इसलिए ईशा घर पे थी, उसका छुट्टी है, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है तो उसका छुट्टी है, और उसके पापा को छुट्टी नहीं मिली थी। तो ईशा के पापा शाम को कुछ फल लेके आए थे, और मेरे बच्चे लोग कुकुम्बर बहुत पसंद करते हैं तो कुकुम्बर उनके लिए ऑलवेज लाया जाता है। और मैं रात का डिनर शुरू कर दी हूँ। लहसुन का तड़का लगा कर मैं मसूर का दाल बनाई हूँ, सूखा मिर्ची के साथ में फ़ौरन लगाई थी। और यहाँ पर ईशा बना रही है आलू पनीर की सब्जी, और मैं थोड़ा सा मिक्स वेज बैठ कर के काट रही हूँ। और ये अभी ठंड आ रहे हैं तो सुबह के लिए भी थोड़ा सा काट के रखने से ईजी होता है। तो ईशा बोली कि मम्मी थोड़ा रात में बनाओ तो सब कोई बैठ के खाएंगे। और वैसे तो फ्रेंड्स हमारे घर में चावल रोटी ये सब थोड़ा कम ही बनता है, लेकिन क्वांटिटी कम होती है और सब्जियां थोड़ी ज़्यादा ही बन जाती है। तीन लोग हैं तो थोड़ा सा बनाने से ही ज़्यादा हो जाता है। तो मैं रात के लिए रोटियां भी बना रही थी, सबने प्लान किया है कि रात में चावल कोई भी नहीं खाएगा, तो मैं इसलिए बना रही थी। और ईशा को भी थोड़ा भी फीवर हुआ था तो इसलिए वो रोटी ही खा रही है, चावल नहीं खा रही है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा परवल भुंजिया रात में बनाई थी ईशा के लिए। तो मॉर्निंग का जो है बृहस्पतिवार की सुबह को जब मैं ताला खोलती हूँ तो ये बच्चे आ जाते हैं ताले की आवाज़ से, और इनको मैं थोड़ा बिस्किट देने के बाद में और थोड़ा फूल उठाकर ले आई। मेरे जो अपने बच्चे हैं, ये दोनों खरगोश के बच्चे लोगों को ये हर तरह के फूल खाते हैं। तो मैं छत से जब जाती हूँ तो मैं नीलकंठ वाला जो होता है ना अपराजिता, तो वो भी ला के देती हूँ। तो ये मेरे बच्चे अपराजिता भी खा लेते हैं, रोज़ भी खाते हैं, और मैरीगोल्ड जो है वो भी खा लेते हैं। तो मैं आ करके जल्दी जल्दी मैं खाना बनाना शुरू कर दी। यहाँ पर मैं सबसे पहले मछली बनाई हूँ, और उसके बाद में आलू और सेमी से पोस्तो डाल के कतला फिश बनाई हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, और मिक्स वेज तो फ्रेंड्स अभी ठंड का सीज़न है, सब्जियाँ बहुत आती हैं, तो मैं इसलिए ये मिक्स वेज जो है मैं रोज़ कॉमन एक ना एक बनाती ही हूँ। और इसमें तो बनाने में भी झमेला बहुत कम रहता है। सब्जियां काटी, 5 फ़ोरन डाला, थोड़ा सा अदरक और धनिया जीरा डाल करके, बस इसमें मिर्ची, कच्चा मिर्ची डाल करके, थोड़ा सा पानी डाल के ढाँक के बैठा दी, हो गई सब्जी। और थोड़ी देर के बाद में अपने आप ये पक जाएगी, उबल जाएगी, थोड़ा सा उलट पलट करके उतार दिया करूँगी धनिया पत्ती डाल के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बना रही हूँ ओट्स। तो फ्रेंड्स हमारे घर में ओट्स ईशा के पापा खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, और ये ओट्स मैं नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं दलिया खा लेती हूँ लेकिन मुझे ओट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और ईशा को आज मैं पहली बार ओट्स दे रही हूँ, वो तो कभी टेस्ट नहीं की है, लेकिन उसको मैंने बोला है कि ओट्स से वेट लॉस होता है और फाइबर भी बहुत है, तो वो बोली ठीक है हम खा लेंगे। लेकिन प्रशांत को इसमें सब्जी वगैरह डालना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने इसमें एक बार टमाटर, प्याज और गाजर वगैरह डाला था तो प्रशांत ने कहा कि मुझे उस तरह की सब्जी वगैरह डाल करके मत बना के दीजिए, क्योंकि ओट्स में जो मसाला ओट्स होता है उसमें सब तरह की सब्जियां हैं, उसमें बीट गाजर भी है, थोड़ा सा मटर भी है, और फ्रोज़न ये सब कुछ सब्जियां रहती है। इसलिए हम प्रशांत कहते हैं कि नमक मसाला वगैरह कुछ मत डालिए, उसको भूंज करके बगैर ऑयल में सॉटे करके, और उसमें ज़रा सा पानी डाल के उसको सुखा लीजिए और मुझे वैसे ही दे दीजिए। तो ये खिचड़ी के जैसे रहता है लेकिन ये बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। तो मैं प्रशांत के लिए सबसे पहले डब्बे में थोड़ा लिक्विड ही उठा के दी हूँ, और ईशा के लिए उसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ड्राई कर दी हूँ, क्योंकि ईशा को एकदम लिक्विड वाला पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं उसके लिए एकदम ज़्यादा से फ्राई करके सुखा दी हूँ। तो इस तरह से ये ओट बनने में भी बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें फाइबर होता है, तो ये अपने हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है।
तो एनीवे हम जो जैसा पसंद करता मैं उसी हिसाब से बना दी हूँ। और मैंने YouTube में भी देखा था इसमें सब्जी वगैरह प्याज वगैरह डाल के बनाने से अच्छा लगता है, पर प्रशांत को इसी तरह का पसंद है तो मैं ऐसे ही बना दी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से कहिएगा। और फ्रेंड्स, आप पहली बार अगर मेरे ब्लॉग में आए हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हौसला बनता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय।